गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं क्लास 12th की मेथड एक्सरसाइज 7.4 प्रॉब्लम नंबर 16। यहां फंक्शन दिया हुआ है 4x plus 1 upon under root 2x² plus x minus 3, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इस फंक्शन के इंटीग्रल को आई से रिप्रेजेंट किया, इसको इवैल्यूएट करते हैं। तो अगर आप देखेंगे न्यूमरेटर में तो 4x plus 1 है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट है, रूट के अंदर जो भी 2x² plus x minus 3 लिखा हुआ है, इसको इसका डेरिवेटिव एग्जैक्ट न्यूमरेटर मिल रहा है। तो ऐसा करते हैं, इसको पूरे को हम रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ रेडिकेंट जो, इसको हम मान लेते हैं टी। तो लेट 2x² प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस 3 को हमने यहां पर क्या किया, टी मान लिया। एक चीज और आप ध्यान दीजिए, जब भी कभी रूट के अंदर जो भी रेडिकेंट लिखा होता है, इसको अगर जब भी कभी मानते हैं तो टी स्क्वायर मान लेते हैं। इससे हमें एक फायदा ये मिलता है कि अगर आप टी मानोगे तो रूट रह जाएगा, अगर टी स्क्वायर मानेंगे तो ये फ्री हो जाएगा। तो हमने इसको क्या किया, टी स्क्वायर मान लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये तो हो जाएगा 4x और प्लस 1, ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट हो गया 0, तो ये तो इसकी जगह पर आएगा dx। अब इसको इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2t और फिर उसके बाद यहां पर dt लिखा जाएगा। और इसके बाद अब देखें, अब वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये तो सीधा सीधा हमारा हो जाएगा, ये इसकी जगह पर 4x plus 1 की जगह पर तो चलिए 2t लिख दिया और t को यहाँ लिख दिया और इसके बाद अंडर रूट पूरे की जगह पर क्या है, टी स्क्वायर मान लो, तो टी स्क्वायर तो यहाँ आ गया dt। 2 को तो हम ले लेते हैं बाहर, इंटीग्रल साइन के बाहर, तो ये t हो गया और ये फ्री होकर के t आ जाएगा। अभी हो गया dt, t से t गया कट, तो ये हुआ 2 और ये 1 आया dt। अब इसको इवेल्युएट करते हैं, बहुत सिंपल हो गया, एकदम आसान हो गया। तो ये सीधा मिलेगा यहाँ पर हमें 2t, वो क्योंकि t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो t प्लस c और ये हो गया 2 और t। अब यहाँ देखिए t स्क्वायर ये माना गया है, इसलिए t क्या अंडर रूट लग जाएगा, तो t की वैल्यू जो होगी वो सीधा सीधा हमें मिलेगी 2x² प्लस एक्स माइनस 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा इंटीग्रल निकल आया है, तो बहुत आसान, तो इसमें कोई स्टैंडर्ड इंटीग्रल लगा ही नहीं, बस यही है, सिंपल है ये। और तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, अच्छे समझ लीजिए, फिर आपको हम नेक्स्ट बताते हैं। थैंक यू।